ये जो ट्रेलर आएगा ना आपका, इसको हिंदी में डब करके निकालो। आप यहाँ पे भी सुपरस्टार ना बन जाओगे ना तो देखो क्या बात है, मैं रिव्यू करना छोड़ दूँ। ओहो सच में बोल रही हूँ, इसको हिंदी में निकालो। ऋषभ सर का भी मैंने वही कहा था कांताराम में कि हिंदी में इसको निकालो, देखो नॉर्थ ऑडियंस आएगी देखने को। वही मारधार से हुई, कैसे वो काट रहे है, कोई चिकन मटन को भी इतना नहीं काटेगा जितना ये काट रहे। सच में यार बहुत ही बड़े बोलते ना, ये अगर आ गए ना बड़े स्क्रीन पे तो लोगों की नजर नहीं। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों चेंगिज, जी हाँ दोस्तों, बंगाली इंडस्ट्रीज की मूवी, बंगाली इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार जीत। आपको बता दूं दोस्तों, सॉरी उसके लिए, सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि बहुत फर्स्ट कॉमेंट्स आया था कि इस पर अपना हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी का रिएक्शन करो। तो दोस्तों रिएक्शन जरूर करता फर्स्ट डे, लेकिन प्रियंका जी कुछ खास बिजी थी किसी अपने पर्सनल काम को लेकर। खैर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका जी, तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका चेंगिज जीत, जो कि सुपरस्टार है बंगाली का। और आपको बता दूं कि आपके एक फैंस हैं जो बंगाली से अभी अभी जुड़े, आपके तो कर्नाटका के भी फैंस हैं, ओडिया के भी फैंस बन चुके हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी बंगाली वाले भी आपके फैंस हो जाएंगे। मैंने जैसे ही वीडियो डाला पहला कमेंट्स आता है प्रियंका जी का रिएक्शन करो, तो मैं बोला प्रियंका जी को एसएमएस डाला तो भाई आज रिएक्शन करते हैं, तो प्रियंका जी कुछ ज़्यादा बिजी थी। तो दोस्तों और खासकर वो जो आप कमेंट्स किए थे उनके लिए ये वीडियो में खास करके प्रियंका जी का रिएक्शन करने जा रहा हूँ। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे प्रियंका जी आपसे कि आपको किस खास तरीके से पसंद आई चेंगिज। कौन है भाई ये कहाँ से आ गए? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये दूसरे जगह से तो इनको बुलाया नहीं ना, दूसरे प्लैनेट से? क्या एक्शन करता है, क्या दिखता है ये एक्टर? जीत नाम है, आपकी जीत ही होगी सर, आपकी हार नहीं होगी। मूवी में भी आपकी जीत होगी और आपकी मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होकर भी जीत होगी। देखना आपके नाम में ही जीत है, आगे कुछ बोलना ही नहीं है जीत के आगे। टीजर इज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर, वर्ड्स कम पड़ गए यार, क्या तारीफ करूँ मैं, सुपर डुपर टीजर है यार। मैं सोच रही हूँ कि यार इनको प्लीज लेके आओ और मूवीज में, एक्शन में भी वो इतने स्मार्ट लग रहे हैं, तो सोचो वो रोमांस का सीन करेंगे तो क्या होगा, लड़कियाँ पागल हो जाएगी उनको देख के। सच में यार टीजर इज अमेजिंग, इसका जल्द से ट्रेलर निकालो। एंड ये बोलते हैं ना, मैंने सुना है कि बंगाल के बहुत सुपर स्टार है, बहुत बड़े सुपर स्टार है, ये इस टीजर को, ये जो ट्रेलर आएगा ना आपका, इसको हिंदी में डब करके निकालो। आप यहाँ पे भी सुपरस्टार ना बन जाओगे ना तो देखो क्या बात है, मैं रिव्यू करना छोड़ दूँ। ओहो सच में बोल रही हूँ, इसको हिंदी में निकालो। ऋषभ सर का भी मैंने वही कहा था कांताराम में कि हिंदी में इसको निकालो, देखो नॉर्थ ऑडियंस आएगी देखने का। वही हुआ, सो समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको हिंदी डब में आप निकाल दो, ये बहुत चलेगी, बिकॉज लोगों को ऐसी मूवीज बहुत पसंद आती है, मास मसाला वाली। बहुत अच्छा टीजर है यार, सीरियसली स्टोरी भी देख लो, भले स्टोरी इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना पता चल कि एक एक है डॉन के ऊपर ही कुछ ऐसी स्टोरी है, एंड बहुत बोलते ना एंटरटेनिंग भी होने वाली है ये। उनका एटीट्यूड स्वाग कैसा लगा आपको? एटीट्यूड की तो बात ही मत करो यार, अच्छे अच्छों को छोड़ दे, वो हिंदी में आ गए तो क्या बात है। बहुत ही अच्छा लगा यार, हम मैंने अभी तक जितने भी ऐसे ओडिशा के जितने भी मैंने देखा है ना ट्रेलर्स टीजर्स देखे, उसमें मैं बोले ना इतना मुझे पावरफुल नहीं लगा इनके जितना। ये तो जैसे शुरू ही उनकी मारधार से हुई, कैसे वो काट रहे हैं, जैसे कोई चिकन मटन को भी इतना नहीं काटेगा जितना ये काट रहे। सच में यार बहुत ही बड़े बोलते ना, ये अगर आ गए ना बड़े स्क्रीन पे तो लोगों की नजर नहीं हटने वाली है, देख लेना। इसकी स्टोरी नीरज पांडे सर ने लिखी है, जिन्होंने MS धोनी लिखी थी। सो नीरज पांडे सर, आपने जब MS धोनी को इतने प्यारे तरीके से लिखा है, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया, MS धोनी मतलब जो हमारे क्रिकेटर धोनी है उनके बारे में एक एक चीज़ आपने सही से बताया, भले वो 3 घंटे के ऊपर की मूवी हो, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको बताया ना, ऐसा लग रहा है हम MS धोनी जो थे हमारे, उनकी ही लाइफ जर्नी हम देख रहे हैं। एंड सुशांत सर को लेके तो उसमें डबल जान आ गई थी मूवी में, तो यहाँ पे भी उन्होंने स्टोरी को लिखा है, तो जाहिर सी बात है MS धोनी इतना अच्छे से लिख सकते तो ये तो क्या है फिर, स्टोरी अच्छी होगी इसकी, अभी से कह रही हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। सो टीजर को आप रेटिंग्स दो, उससे पहले रेटिंग्स मुझे उससे पहले देते हो, टीजर को 5 out of 5 कि मुझे टीजर बहुत पसंद आया चेंगिज, इसको प्लीज़ हिंदी में लाओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है। वही बोलने वाला था, क्या रिक्वेस्ट? इसके लिए आप बोलो उससे पहले, मुझे पता है आप मुझे पूछोगे, इसके लिए मैं सबसे पहले ही मैं बोल देती हूँ कि प्लीज़ इसको हिंदी में लाओ, मैं चाहती हूँ ये हिंदी में आए, ये बहुत चलेगी, ये इसका उनका एटीट्यूड स्वैग देख के ही ना, ये देखना लोग आएंगे देखने के लिए, प्लीज़ यही मेरी रिक्वेस्ट है। ऑडियंस मुझे अच्छा लगा,
जीत सर का चेंगिज टीजर आपको कैसा लगा? ये तो मुझे पता चले है कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये टीजर, उनका बहुत अभी बोलते हैं ना नाम आ गया, मेरा डिमांड भी आया था कि प्लीज इस पे रिएक्शन दो, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया, आई एम सो सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसके लिए आज मैं आई हूँ खास आपके लिए ताकि मेरा मैसेज पहुँचे जीत सर तक। एंड मेकर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी बाकी के स्टारकास्ट है जितनी झलके दिखाई है उनका भी अच्छा काम लग रहा है, एंड डायरेक्टर ने भी अच्छा बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है कि बिकॉज एक्शन शॉट्स भी लिए हैं ना बहुत ज़बरदस्त लिए हैं। सो इतना ही बोलूँगी कि इस टीजर को हिंदी में भी बनाओ, मतलब इसका पहले बोलते ना अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में आप लाओ ट्रेलर, उसके बाद हिंदी ट्रेलर में भी आप इसका सोचो, मेरी बात ना आप एक बार सोचो और फिर आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, बस इतने में डायरेक्टर सर से बोलना चाहूँगी। एंड बंगाल के ऑडियंस को मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप मेरी बात से कितने सहमत हो, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपका जवाब है, आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। एंड आप नए नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरे हर रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जाते जाते इतना ही बोलूँगी, देखते रहिए बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड।